ऊन बड़ा गांव में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आज मिलेंगी प्रिंस के परिजनों से। 4 माह से 4 वर्षीय प्रिंस उर्फ टिल्लू है लापता। जिला प्रशासन व पुलिस नहीं लगा पाई 4 वर्षीय प्रिंस का 4 माह में भी पता। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल दौसा दौरे पर हैं, जिन्होंने जामा गांव में बालिकाओं के आत्मरक्षा गुर सिखाए जा रहे हैं। जिन बालिकाओं से मुलाकात की और उन्हें बाल संरक्षण अधिकारों को लेकर जागरूक किया। बाइट सिग्नल है। बिल्कुल, मुझे भी प्रिंस का पता लगा और मैं खुद भी आज सारी बात वस्तुस्थिति जानूंगी और उसके बाद पुलिस विभाग से भी ये जवाब किया जाएगा। आज हमारी कलेक्टर सभागार में जो बैठक है कि उस बच्चे को ढूंढने के लिए क्या प्रयास किया गया और कोई कमी रही गई है तो उसको पुख्ता किया जाएगा। देखिए, हम भी सरकार का ही पार्ट हैं और जब हमने भी मीडिया के माध्यम से बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त की तो भरतपुर के 2 दिन के दौरे के बाद दौसा आ जाना, खासकर उस परिवार से और उस बच्चे के रिश्तेदारों से जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे थे और आज आयोग बच्चों के माता पिता तक पहुँचेगा, उनसे बात करेगा और कौन संदिग्ध है उसकी जानकारी प्राप्त करेगा और सख्त से सख्त निर्देश यहाँ के प्रशासन को देके जाएगा ताकि बच्चे को जल्द से जल्द उनके माता पिता से वापस मिलवाया जा सके। मैम, आपसे उम्मीद लें कि आप एक माँ होने के नाते एक माँ का दुख समझ पाएंगी। बिल्कुल ज़रूर, बाल आयोग अध्यक्ष के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि एक बच्चे का खोने का दर्द क्या होता है। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि पुलिस आयोग जो है उसको बिल्कुल पुख्ता किया जाएगा इसका।